मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत्त्वं वन्दे परमात्मं ॐ काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यकलान्यपि शब्दभूषितरश्चेति विष्णुवंशा महात्मनः समादरणीय दर्शक एवं श्रोतागण, आज स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय राजदूतावास के माध्यम यो हमी विद्युतीय संजाल के माध्यम सांस्कृतिक भाषिक एवं सामाजिक विषय में नेपाल का विशिष्ट विद्वान निवेदन करते वहाँ को पात्र में वहाँ आह्वान करते हमी विविध विषय में एउटा विशिष्ट विषय के विषय में हमी व्याख्यान गराउँछौं। साप्ताहिक व्याख्यान हो यो। त्यसै श्रृंखला में आज हिंदी नेपाली एवं मैथिली इन तीन भाषा को नेपाल का प्रमुख भाषा मध्ये ये तीन भाषा को परस्पर संबंध एवं इन तीनों भाषा को भिन्न भिन्न विशिष्टता को विषय में वक्तव्य अथवा संभाषण दिन को लागि हामीले आज प्रार्थना गरेका छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग केन्द्रीय हिंदी विभाग की अध्यक्षा आदरणीय डाक्टर संजीता वर्मा जी, वहाँ विगत 20 वर्षदेखि अधिक वर्षदेखि केन्द्रीय हिंदी विभाग में हिंदी को अध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो सौभाग्य हो वहाँ को मैथिली वहाँ को मातृभाषा हुनुपर्छ अवश्य नै, अनि नेपाली राम्रो बोल्नुहुन्छ वहाँ, अनि त्यसपछि हिंदी पनि वहाँको आफ्नो भाषा भयो। यो आप तीनै भाषा को बोल्ने मातृभाषा को समान बोल्ने भाषिक महत्वलाई बुझ्ने विदुषीलाई बोलाएर हामीले यहाँ सम्भाषण गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। आज मैले भने काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्य कलान्यपि शब्दभूषित धरश्चेति विष्णुवंशा महात्मनः। हाम्रो पूर्वीय मान्यताको अनुसार शब्द अथवा ज्ञान अथवा विद्याको पनि अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु मानिनुहुन्छ। त्यसै जति गीत भाषा जे भए पनि भगवान विष्णुकै अंश हो। त्यो यो सम्भाषणको माध्यमले पनि हामी भगवान विष्णुकै आराधना गर्दैछौँ भन्दै म आदरणीय म्याडम सञ्जिता वर्मालाई, डाक्टर सञ्जिता वर्मा अध्यक्षा हिन्दी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आफ्नो वक्तव्य प्रारम्भ गर्नको लागि सादर निवेदन गर्दछु। म्याडम सादर आपका स्वागत है अपना वक्तव्य। धन्यवाद केदार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चीज़ के लिए मौका दिया और हमको बुलाए, हम यहाँ आए। और सही बात है कि हिंदी और नेपाली तथा मैथिली में अंतर संबंध है। तो सबसे पहले आप सबों को हमारा सादर नमन। यहाँ एक लाइन बोलना चाहूँगी कि एक ने जन्म दिया, दूसरे ने कर्म महान बनाया, इसलिए इन दोनों देशों को सादर नमन करते हुए इनका वंदना करती हूँ। अब बारी आती है कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि, नेपाल में भारत हिंदी की पृष्ठभूमि क्या है इसके संदर्भ में, कि हिंदी और नेपाली तथा मैथिली की जब हम चर्चा करते हैं तो नेपाल और भारत की झांकी आंखों के सामने आ जाती है। हिंदी भारत की और नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है और मैथिली तो दोनों से जुड़ी हुई है। वैसे तो कहा जाए कि मैथिली तो दोनों देशों से जुड़ी हुई है और दोनों देशों की भाषा है, जितनी हिंदी की है उतनी नेपाल की भी है, क्योंकि हिंदी एक शताब्दी पूर्व तक नेपाल में भाषा के रूप में ही जानी जाती थी। 150 वर्ष पूर्व नेपाल घाटी में रचित ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ त्रिरत्न सौंदर्य गाथा में संस्कृत, हिंदी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जिसमें हिंदी को भाषा और नेपाली को नेवारी को पर्वत भाषा की भी संज्ञा दी गई है।
नेपाल के कई शिलालेखों और नाटकों में भी हिंदी को भाषा कहा गया है। इतना ही नहीं, नेपाल के कुछ हस्तलिखित ग्रंथों में नेपाली के लिए भाषा और हिंदी के लिए पक्की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसी तरह वर्तमान में भारत की अष्टम अनुसूची में राष्ट्रभाषा के रूप में नेपाली भाषा का नाम है, इसलिए यह तो निसंकोच कहा जा सकता है कि हिंदी नेपाली दोनों देशों की भाषाएं हैं या अलग अलग भाषा है जो भी हो, परंतु यह तो सच है कि इनकी भाषा एक दूसरे तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि दोनों संस्कृत की संतान हैं, इसलिए आपस में भगिनी भाषा हैं। दोनों भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है या करते हैं। लिखित रूप में देखने पर दोनों समान दिखते हैं, दो बहनों की तरह। अचानक देखने पर अलग करना कठिन हो जाता है। दोनों भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति समान है। एक भाषा बोलने वालों को दूसरी भाषा समझने में कुछ समय नहीं लगता। मिलते जुलते सांस्कृतिक परिवेश में पैदा होने और फलने फूलने के बाद भी दोनों भाषा की अभिव्यक्ति पद्धति को लोक तथा सृजनात्मक साहित्य के विविध रूपों से अलंकृत किया गया है, जिसके बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। दोनों भाषाओं की लिपि की पृष्ठभूमि। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है और इसे दो रूप, कथ्य और लेख्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक भाषा का माध्यम कथ्य होता है, लेकिन इतिहास के किसी अंतराल में कुछ भाषाओं का विकास लेख्य रूप में भी हुआ है। वैसे तो सूचना प्रविधि के वर्तमान युग में भाषा के कथ्य रूप को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग से लेख्य रूप में भी अधिक समय के लिए संग्रहित सुरक्षित रखा जा सकता है। लेखन प्रणाली का विकास 4000 वर्ष ईसा पूर्व होने का प्रमाण मिलता है। भाषाओं को लिखने और टंकन करने के लेखन आधुनिक लिपि के 3 कोटि में विभाजित किया गया है। इसमें चित्रात्मक, अक्षरात्मक और वर्णात्मक, इन 3 कोटियों का मिश्रित रूप किसी एक लिपि में भी पाया जा सकता है। इस मिश्रित कोटि को ही अवोगिदा कहते हैं। हिंदी नेपाली की लिपि देवनागरी लिपि है जो अवोगिदा कोटि में आती है, इसलिए इथोपियन भाषाओं पर आधारित इस लिपि का नामकरण पीटर टी डेनियल्स ने किया है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। 11वीं शताब्दी में विकसित इस लिपि को नागरी लिपि, नगर की लिपि के अर्थ में भी कहा जाता था। बाद में देव प्रत्यय लगाकर देवनागरी लिपि कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों के प्रकाशन में इसका प्रयोग होने के कारण इसे देवताओं की नागरी लिपि भी कहा गया है और इसका प्रचार प्रसार भी तीव्र गति से हुआ है। अवोगिदा कोटि की लिपि का सबसे बड़ा समूह भारत नेपाल के साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भाषाओं में प्रयोग होने वाले ब्राह्मी परिवार का लिपि समूह है। संस्कृत और प्रकृत भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाली देवनागरी लिपि वर्तमान में हिंदी नेपाली के साथ ही अनेक भारोपीय और भोट बर्मेली भाषाओं में प्रयोग होने लगा है, जिसमें मैथिली भी एक है। देवनागरी स्वर का उच्चारण हिंदी और नेपाली में कंठभ्य, तालभ्य, ओष्ठम, मूर्धन्य और दंत से किए जाने वाले उच्चारण समान ही हैं। जैसे कंठस्थ से ओ आ ई ई, उ, ओष्ठ से आदि मैथिली में भी यही स्थिति है। देवनागरी लिपि का वर्णानुक्रम ध्वनि वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसार व्यंजन और स्वर के प्रयत्न और स्थान पर आधारित है। स्वर के साथ 2 मात्रा लगता है, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी और नेपाली में दोनों का प्रयोग होता है। इसी तरह दूसरी मात्रा चंद्र बिंदु व अनुनासिका है। नेपाली और हिंदी दोनों भाषा में इसके बदले अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। मैथिली में भी यही है। कुछ भाषाओं में अवग्रह मात्रा एस जैसे का प्रयोग होता है। हिंदी और नेपाली में इसका प्रयोग न्यून है, लेकिन मैथिली में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। हिंदी और नेपाली
तथा मैथिली भाषा में तत्सम शब्द संस्कृत के नियम के अनुसार ही लिखा जाता है, जैसे दुर्गति, पूजनीय। लेकिन तद्भव और उससे व्युत्पन्न शब्द तथा आगंतुक शब्द के शुरू और बीच का ईकार और उकार नेपाली में ह्रस्व होता है और हिंदी में दीर्घ ही रहता है। जैसे हिंदी का कानून नेपाली में कानून हो जाता है, हिंदी का दूध नेपाली में दूध और हिंदी का भीतर नेपाली में भीतर हो जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वभावेल और अंतर्निहित रहना देवनागरी लिपि की मौलिक विशेषता है, जो हिंदी और नेपाली में लागू होता है। उच्चारण में भी समानता है। हिंदी में दो तरह न और न होते हैं, जिसका उच्चारण अलग अलग होता है। नेपाली में भी दो तरह के न होते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों का उच्चारण एक जैसा ही होता है। दोनों भाषा में तत्सम शब्दों में ऋ और ज्ञ लिखा जाता है, मैथिली में भी यही है, जैसे ज्ञान, ऋण, ज्ञात आदि। लेकिन तद्भव और आगंतुक शब्दों में नेपाली में ऋ और ज्ञ का प्रयोग होता है, जैसे रीस और ग्यास। हिंदी में तीन तरह से स लिखा जाता है और बोला भी जाता है, लेकिन नेपाली में तद्भव और आगंतुक तत्सम शब्द छोड़कर दोनों व्यंजन वर्णों का उच्चारण और लिखाई स ही होता है। वर्ण के नीचे पड़ने वाले बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। नुक्ता नुक्तायुक्त ध्वनि मुख्य रूप से अरबी फारसी भाषा की है। नेपाली में नुक्ता का प्रयोग नहीं है, लेकिन हिंदी में नुक्ता का प्रयोग होने से भारतीय नेपाली भाषा के लेखन में कुछ मात्रा में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे सड़क और गाड़ी, नेपाली में लिखे जाने पर सड़क और गाड़ी हो जाएगा, लेकिन उच्चारण करते समय नुक्ता का प्रयोग कर सड़क और गाड़ी ही किया जाता है। हिंदी और नेपाली में देवनागरी लिपि में संयुक्ताक्षर बहुत हद तक नियमित है, जैसे स्थान, उच्चारण, उपलब्धि आदि समान रूप से लिखे जाते हैं। मैथिली में भी ये समान है। अंक और विराम चिन्ह हिंदी और नेपाली मैथिली में पूर्ण विराम, अर्ध विराम तथा प्रश्न चिन्ह आदि का प्रयोग समान है, लेकिन नेपाली भाषा में 5 और 9 अंक में लिखने पर परंपरागत रूप में कुछ अंतर आ जाता है। देवनागरी लिपि अपनी विशेषता के कारण वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। अब हिंदी और मैथिली नेपाली का ऐतिहासिक संबंध। दोनों भाषा भारोपीय भाषा परिवार के भारत ईरानी शाखा अंतर्गत के भारतीय आर्य भाषा उपशाखा से विकसित हुई है। संस्कृत से विकसित भाषा की चर्चा करने पर भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग किए जा सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ईसा पूर्व 1500 से 500 पूर्व, इसमें वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत भाषा आती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ईसा पूर्व 500 से 1000 ईस्वी, इसमें पाली, प्राकृत, संस्कृत नाटकों में प्रयोग किए गए महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची प्राकृत तथा इनसे विकसित अपभ्रंश की भाषा आती है। नव्य भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक, इसमें विभिन्न अपभ्रंश भाषाओं से विकसित नई भारतीय आर्य भाषाएं आती है। इसी के अंतर्गत हिंदी, नेपाली, उर्दू, बंगाली, आसामिया, मराठी, पंजाबी, सिंधी, सिंगली आदि अनेक भाषाएं आती है। हिंदी और नेपाली संस्कृत से प्राकृत होते हुए विकसित होने वाली भाषा है, लेकिन नेपाली का संबंध खस प्राकृत से है तो हिंदी का सौरसेनी प्राकृत से। अधिकांश शब्द हिंदी नेपाली के समान हैं, लेकिन कुछ शब्दों में मात्रा परिवर्तन कर दिया गया है। हिंदी में आग, दिया, दुबला, हरा, पीला आदि होता है, तो नेपाली में दुबलो, आगो, दियो, हरियो, नीलो हो गया है। शब्द भंडार के आधार पर हिंदी और नेपाली भाषा मैथिली की भी समान विशेषता है। हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषा के साथ भी नेपाली की समानता है। मारवाड़ी से मैथिली, बंगाली से नेपाली मिलती है।
शब्द भंडार के स्रोत के रूप में देखा जाए तो दोनों भाषा में संस्कृत से ही अधिक शब्द आए हैं। कुछ प्राकृत होते हुए आए हैं तो कुछ बाहरी शब्द भी हैं और कुछ इसके अपने मौलिक शब्द हैं। हिंदी और नेपाली में अनुकरणात्मक शब्द अपने हैं, लेकिन हिंदी की अपेक्षा नेपाली में अनुकरणात्मक शब्दों की बाहुल्यता है। जैसे नेपाली के हैं शब्द हैं थपक्क बस्नु, सुटुक्क जानू, जिसका अनुवाद करना हिंदी के लिए बहुत मुश्किल है। आगंतुक शब्द हिंदी और नेपाली और मैथिली में अरबी फारसी से बहुतायत में आगंतुक शब्दों का प्रवेश है, लेकिन नेपाली में ऐसे शब्द हिंदी के मार्फत ही आए हैं। इसके बावजूद हिंदी में जिस धड़ल्ले से अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नेपाली में वैसा नहीं है, क्योंकि आम हिंदी वाले गुस्सा और मोहब्बत का प्रयोग करते हैं, लेकिन आम नेपाली भाषी रीस और माया का प्रयोग करते हैं। इसी तरह मैथिली के भी शब्द भंडार हिंदी से जुड़े हैं और नेपाली में भी मैथिली भाषा के शब्दों का प्रवेश है। प्राविधिक पारिभाषिक शब्द हिंदी में आधुनिकीकरण के क्रम में संस्कृत पर आधारित नवीन शब्दों का निर्माण किया गया, जिससे नेपाल भी लाभान्वित तो हुआ, लेकिन नेपाली भाषा में अधिक संस्कृतकरण ग्राह्य नहीं हो सका। हिंदी में जिस तरह दूरदर्शन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नेपाली में यह अंग्रेजी तक ही सीमित रहा और इसे हम लोग नेपाली में टीवी तक ही सिमट कर रह गए हैं। व्याकरणिक स्थिति हिंदी और नेपाली के कारक वचन लिंग काल व्यवस्था संयुक्त क्रिया पद वाच्य अकरण की प्रक्रिया आदि में कुछ समानता है तो कुछ भिन्नता भी है। कारक चिन्ह हिंदी में ने को से काकी है तो नेपाली में ले लाई वाटर देखी काकी को है। हिंदी का व्याकरणिक लिंग भेद समझना नेपाली भाषी के लिए जितना कठिन है, उतना ही कठिन हिंदी भाषी के लिए नेपाली का छ और हो का प्रयोग करना या उसकी भिन्नता को समझना कठिन है। हिंदी और नेपाली का लोक साहित्य हिंदी और नेपाली लोक साहित्य में अपनी अपनी स्थानीय विशेषता है। डोटेली समाज में अभी भी कृष्ण धमारी का गायन होली के अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत में ब्रज भाषा का नमूना पाया जाता है। हिंदी के प्रख्यात विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि हिमाल की गोद में यह गीत बहुत पहले ही आया है। गंधर्व के गीतों में रहे करघा साखी और दोहा उत्तर भारत की काव्य परंपरा की याद दिलाती है और इसी तरह उत्तर भारत में प्रचलित सोरठा गोपीचंद और भर्तृहरि की गाथा नेपाली भाषी समाज में भी प्रचलित हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र की लोक कथाएं नेपाल में अलग रूप से विकसित हुआ है और समान लोकोक्ति से अभिव्यक्ति और बोधगम्यता में सरल आई है। अब हिंदी और नेपाली की साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास संतों सिद्धों और नाथों के दोहा के साथ 8वीं शताब्दी से शुरू माना गया है, लेकिन प्राचीन नेपाली भाषा का अभिलेख 13वीं शताब्दी से पाया गया है। नेपाली भाषा में सृजनात्मक साहित्य की रचना शुभानंद दास की कविता से शुरू होता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को जिस तरह से 4 भागों में बांटा गया है, ठीक उसी तरह नेपाली साहित्य का भी काल विभाजन प्राथमिक काल अथवा वीरगाथा काल, भक्ति काल, श्रृंगार काल और आधुनिक काल के साथ 4 कालों में विभक्त किया गया है। दोनों भाषा काल विभाजन की इस समानता से दोनों भाषा क्षेत्र में दिखने वाले सृजनात्मक लेखन की समान प्रवृत्ति का पता चलता है, परंतु हिंदी और नेपाली साहित्य के वीरगाथा काल के समय में बहुत अंतर है। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के प्रमुख कवि चंदबरदाई माने जाते हैं तो नेपाली साहित्य में शुभानंद दास को माना गया है। हिंदी के भक्ति काल के कवि कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास का नाम नेपाली साहित्य जगत में परिचित तो है, नेपाली समाज में भी चर्चित है।
लेकिन हिंदी रीतिकालीन कवि को बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बावजूद ब्रज भाषा जो भारत अर्थात हिंदी की काव्यिक भाषा है, नेपाल में भी इसका अभ्यास हुआ। नेपाली साहित्य के विद्वान प्रचारक मोतीराम भट्ट हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद के मंडल के सदस्य थे और उनसे प्रभावित भी थे, किंतु उनकी रचना काल श्रृंगार काल का है। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रवर्तक प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा को माना जाता है, तो उसी तरह नेपाली साहित्य में स्वच्छंदतावादी धारा का विकास देवकोटा सिद्धिचरण श्रेष्ठ भवानी भिक्षु माधव घिमिरे से माना जाता है। दोनों भाषाओं का मूल संस्कार तो सहजता और सरलता से मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति दी है, जो दोनों देशों के दोनों समाजों के असली स्वरूप को रेखांकित करता है। अब मैं यहाँ पर नेपाल के कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। उसमें हिंदी का प्रभाव है, तो इस संबंध में पहले यह कहा जा सकता है कि नेपाल में नेपाली साहित्य और हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत नाथ सिद्ध और जोसमनी संत की परंपरा से हुई। यह तो सभी जानते हैं, नेपाली साहित्य का प्रारंभिक काल यहीं से शुरू होता है। नेपाल में हिंदी साहित्य की शुरुआत भी संतों और राजा महाराजाओं की भजन रचना से ही हुई थी, जो काफ़ी समृद्ध है। पश्चिमी नेपाल में विक्रम संवत 1804 में त्रिशूली गंगा के किनारे प्रसूतपुरी नामक गांव संत शशिधर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम विष्णु उपाध्याय था। संत शशिधर के जीवन में अनेक चमत्कार की बात बताई जाती है। इनके शिष्यों में से प्रमुख चार शिष्यों ने उनके आदेश पर नेपाल के चारों दिशाओं में जोसमनी मत का प्रचार किया। जीवन के उत्तरार्ध में इन्होंने पश्चिमी नेपाल के रेसुंगा नामक स्थान पर मठ बनाया, जो नेपाल में विद्या और धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा। इनकी भक्ति के शब्दों की कुछ पंक्तियाँ देखें, जिसमें हिंदी का पुट किस तरह से नजर आता है। भक्ति शब्द कही जाऊं, पहले लियूं गुरु के नाऊं, सत्य वचन अधीन गुरु के नाम गाई, मन गदगद तन पुलकावली, राम नाम समाई। संत शशिधर ने कबीरदास की तरह ही कुछ उलटबांसियों की भी रचना की है। बिना पुरुष रति रीतु धरे, बिना बीज को बीज भरे, बिना गर्भ को मिले, बिना नाम को चीज। इसी तरह उसी परंपरा के संत धरणीदास की रचना के कुछ पंक्तियां देखिए। दस है दस द्वार निरख करे, दसो जगमग ज्योति, दामिनी दम के अमृत बरसेनी, झलमल झलमल ज्योति। इसी तरह उनके प्रमुख शिष्य प्रेम दिलदास की रचना की कुछ पंक्ति देखिए। मन राम हरि क्यों बोलता है, हरि नाम स्व है सब घट भीतर, मोह सब जग डुलाता है, डुली डुली थकित भयो प्रमुख, निर्गुण नाम से भूलता है। इस तरह ऐसे अनेक संतों की रचना है जिसमें हिंदी के अत्यधिक शब्द हैं। अगर सच में कहा जाए या देखा जाए तो ये सभी रचनाएं हिंदी ही हैं, क्योंकि संत महात्माओं की भाषा इसी तरह की होती है। इसी तरह हिंदी साहित्य में 84 सिद्धों का उल्लेख है, जिनमें से एक अर्थात 34वें स्थान पर आने वाले सिद्ध कुकुरिपा का नाम है। नेपाल के पश्चिमी मधेश के लुम्बिनी अंचल का कपिलवस्तु कुकुरिपा का जन्म स्थान है। गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ भी नेपाल आए थे। इसके साथ ही कन्नरिपा के भी नेपाल आने के अनेक प्रसंग मिलते हैं। ऐसे में यह तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कपिलवस्तु का एक ब्राह्मण कुमार सिद्ध संत में दीक्षित होता है और आगे चलकर कुकुरिपा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और इसी सिद्ध संत की रचना से नेपाल के हिंदी साहित्य की नींव पड़ती है। इसी तरह जनकपुर के संत साहित्य की चर्चा करना भी यहाँ अत्यंत आवश्यक है। यह मिथिला मैथिली भाषी क्षेत्र है। नेपाल के जनकपुर में रचित संत साहित्य के भक्ति साहित्य के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
यहाँ के मठ मंदिरों और आश्रमों में साधु संतों की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें कुछ प्रकाशित हैं तो कुछ अप्रकाशित हैं। विगत 300 वर्षों से यहाँ राम भक्ति शाखा की काव्य रचनाएं संतों द्वारा की जाती रही है। इनमें सबसे पुराने महात्मा सूर्य किशोर थे। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिसमें से एक मिथिला विलास रचना है। इसकी एक कविता देखिए। आए दो वीर गोरे सांवरे शरीर आले, संग मुनि धीर विश्वामित्र निज लाए हैं। तारिका सुबाहु मारी मुनि मख रच किनी मग, मुनि तिया तारी सुजस ले आए हैं। शिव धनुष तोरी सब निरिपन को, मद मोरी सियालु को रचा है भाल रेखा लिखवाए हैं। सुनी हर्षानी सब अति अभिकामी, उर अभिते माग गीत लय बनाए हैं। इतना ही नहीं, जनकपुर में रामायण की तरह सीतायन की भी रचना की गई है। प्रसिद्ध भक्त कवि श्रीवर स्वामी राम प्रिया शरण जी सीतायन में माता सीता के बचपन अर्थात बालकांड से लेकर उनके अनेक चरित्रों का वर्णन मधुरमाल कांड, जयमाल कांड, रसमाल कांड, सुखमाल कांड आदि कांडों में माता सीता के प्रकट्य, शैशव एवं बाल विहार से लेकर विवाह तक का वर्णन किया है। अभी हाल में ही इसका हिंदी अनुवाद भाषा संगम इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ और डॉक्टर एम गोविंद राजन इसका तमिल में भी अनुवाद कर रहे हैं। यह पहली ऐतिहासिक रचना है जिसमें सीता जी की बाल लीला का वर्णन है। शोध कार्य के लिए भी यह ग्रंथ अद्भुत है। जनकपुर के संत द्वारा मैथिली भाषा में इस ग्रंथ की रचना न कर अवधि में की गई है, लेकिन इसमें वैवाहिक विधियां पूरा मिथिला की है। सीतायन ग्रंथ के बालकांड की दो पंक्तियां देखें। श्री सीता पद बंदी के नेह कली सिरनाय, वर्णत छवि पौगण सिए लीला सिंधु सुहाए। इस तरह संत साहित्य की रचनाओं में हमें स्पष्ट रूप से हिंदी की झलक मिलती है। अब मैं आपको राजाओं की रचना की थोड़ी सी झलक दिखलाना चाहूंगी, जिसमें प्राचीन काल में हिंदी के साथ उनके अंतर संबंध के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले वर्तमान नेपाल को राजनीतिक नक्शों पर लाने वाले गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह की चर्चा करना चाहूंगी। ये योगी गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, साथ ही अच्छे कवि भी थे। इनके भजन का कुछ अंश देखिए। बाबा गोरखनाथ सेवक सुसदाए, भजहूं तो मन लाए। बाबा चेला चतुर मच्छिंद्र नाथ को, अद्भुत रूप बनाए। शिव में अंश शिवासन कावे, सिद्धि महा बनी आए। इसी तरह मल राजा जगत मल के हिंदी भजन को देखिए। रक्त लहंगा जर्दो अंगिया से तो अंबर छाइए, अर्धचंद्र ललाट शोभित कान केसर ऊपर मोती को हारे। सहस्र भुजा सर्व धन की वज्रपात से धारिन, दैत्य दलनी सब गरन तोरिए सब भय हो विनाशिनी। प्रथम देवी शरण तो ही आदि शक्ति हो मानिए, असुर दलनी पाप हरनी भक्त के बरदाइनी। बाजत डिमी डिमी करताल घुंगरुन करुनुन कारिनी, डमरू डिमी डिमी शंख बाजे घुंगरा बाजा बजाइए। इस तरह मल्ल काल के अनेक राजा सुमति जयजीत मित्र मल, भूपेंद्र मल, रंजीत मल, जय जग ज्योति मल, प्रकाश मल आदि की अनेक रचनाएं हिंदी में है। रंजीत मल के चित्रकेतु पाख्यान और गोरक्षोपाख्यान नाटकम भी हिंदी में है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नेपाल के संत संप्रदाय के रचना संसार की भाषा साधुकुरी तो है ही, जो भारतीय संतों की भी भाषा रही है और यह हिंदी भाषा के अत्यंत निकट की है। डॉक्टर मथुरा दत्त पांडे ने तो यहाँ तक कहा है कि नेपाली संतों की भाषा हिंदी ही है।
इन सारे उदाहरणों से इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि नेपाल की पवित्र भूमि संत महात्माओं और कवि हृदयी राजाओं की भी रही है, जहां हिंदी कोई बाहर की भाषा नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्त इनकी अपनी भाषा थी। हमें प्राचीन काल के कवि विदारण्य केसरी अर्याल की रचनाओं में भी हिंदी ब्रज के शब्द मिलते हैं, जैसे चीर खेचत दुःशासन मेरी, आई नाथ शरणागत तेरी, लाज राख कुल का बीच मेरी, हूंगी मैं जन्म जन्म की चेरी। इसी तरह नेपाली साहित्य के माध्यमिक काल के भी अनेक प्रतिभावान कवियों ने भी हिंदी में रचना की है। मोतीराम भट्ट इस काल के केंद्रीय प्रतिभा थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र की मंडली के एक सदस्य थे। कहा जाता है कि भारतेंदु मंडली में समस्या पूर्ति के लिए एक मिश्रा रखा गया था, कपड़ा जला के अपना लगा आग तापने। इस पर कवि मोतीराम भट्ट ने इस मिश्रा को पूरा किया, ऐसा भी बेअकल कहीं देखा है आपने, कपड़ा जला के अपना लगा आग तापने। इनकी हिंदी में दो कृतियां प्रकाशित है। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने मामा को हिंदी में ही चिट्ठी लिखी थी। उदाहरण के तौर पर मैं एक पंक्ति सुनाती हूँ। श्रीयुत बड़े तथा छोटे मामा साहब समीपेशु, आप लोगों का भेजा हुआ कार्ड आया, आप लोगों का कुशल समाचार बहुत आनंद हुआ, मकान का भी कुशल समाचार सुनने से चित स्थिर हुआ, विशेष जब से हम यहाँ आए खाने की भी खूब रुचि है, शरीर भी प्रसन्न रहा करता है और इसी कारण से खुद में भी खूब दिल लगा रहता है और मेहनत भी कर रहे हैं। पक्का विचार ही यही कि यदि शरीर इसी प्रकार से स्वस्थावस्था में रहा तो इसी साल पास की आशा है। मकान में सबको यथा योग्य कह दीजिएगा, विशेष कुशल समाचार से अनुग्रहित कीजिएगा। इसी तरह नेपाली साहित्य कवि शिरोमणि के नाम से पहचाने जाते हैं लेखनाथ पौड्याल। नेपाली काव्य कृति के अतिरिक्त हिंदी में भी इनकी दो कृतियां हैं, राधा कृष्ण केली और भवितव्य। शंभू प्रसाद ढुंग्याल नेपाली साहित्य में आंसू कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री से प्रभावित होकर इन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति की तरह प्रेमकांता और प्रेमकांता संतति उपन्यास हिंदी में लिखा। नेपाली साहित्य में मौलिक उपन्यास लिखने का श्रेय गिरीश बल्लभ जोशी को जाता है। हिंदी में भी अनेक रचनाएं हैं इनकी, जिनमें से गिरीशवाणी उपन्यास और गोलोक चरित तथा सीताराम मिलन नाटक मुख्य है। कवि केसरी चितधर हृदय नेपाल भाषा साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। इनकी हिंदी में दो रचनाएं प्रकाशित है और 13 अप्रकाशित हैं। प्रेम पंथ कविता की दो पंक्तियां देखिए। फूल हूं मैं हंस परा रमणीय मधु ऋतु देखकर, मोर बनकर मेघ रब में नाचता हूं झूमकर। इसी तरह नेपाल के अमर शहीदों में से एक हैं सुखराज शास्त्री। हिंदी के गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इनकी अच्छी पकड़ थी। इनके गद्य के कुछ अंश हैं, अब यहां भी अन्याय तथा अधर्म का सर्वनाश करने के लिए तथा तीनों प्रकार की लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए भी तीन युद्ध का उदय हुआ है। अब श्री तीन युद्ध की घोषणा से अन्यायी तथा अधर्मी के भाग खड़े होने से लक्ष्मी की मान मर्यादा स्थापित होगी। इसी तरह लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्य के महाकवि देवकोटा हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों से प्रभावित थे। पंत और निराला से प्रभावित होकर भिक्षु और बादल कविता का आना इसका प्रमाण है। इसी तरह नेपाल के ऐसे अनेक विद्वान साहित्यकार हैं जैसे भवानी भिक्षु, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, केदार मान व्यथित, धूसमा साइमी, जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। बीपी की तो रेणु और मैं प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रचना ही है।
इनकी हिंदी में भी कहानी हिंदी भारत की पत्रिकाओं में छपी है। इसी तरह धूसमा साइमी जो हमारे दोस्त भी थे, उनका कहना था कि नेवारी मेरी मातृभाषा है, नेपाली मेरी राष्ट्रभाषा है और हिंदी मेरी पितृभाषा है, क्योंकि वे अपने पिता चाचा से हिंदी में ही बातें किया करते थे। इनकी हिंदी में अनेक कृतियां हैं, 3 उपन्यास, 2 कविता संग्रह। इस तरह यदि साहित्यकारों का नाम लेना शुरू करूं और इसकी रचना की गिनती करूं तो यहाँ स्थान और समय दोनों का अभाव हो जाएगा। इसलिए इस संबंध में मेरी एक पुस्तक की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, जो जल्द ही प्रकाशित होकर आने वाली है। यहाँ एक बात और कहने की ज़रूरत है कि जो लोग केवल नेपाली में लिखते हैं, उनकी भी हार्दिक इच्छा अनुदित होकर हिंदी में आने की जरूर रहती है, यह मेरा अनुभव कहता है। वैसे देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ आबादी वाले इस देश में आधे से अधिक लोग किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसलिए नेपाल में हिंदी का व्यवहार, या यो कहिए नेपाल के साथ हिंदी का अंतर संबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार से है। प्रथम, यह तराई क्षेत्र की पहली और संपर्क भाषा है, जो स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा स्वरूपों के साथ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। दूसरा, नेपाल में हिंदी का प्रयोग दूसरी भाषा के रूप में नेपाली भाषा भाषियों के द्वारा भी उतना ही होता है, क्योंकि दोनों भाषा की लिपि तो एक है ही और शब्द संपदा में भी बहुत ही समानता है। फिर भी दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी एक है, इसलिए नेपाली भाषियों के लिए हिंदी सीखना बहुत ही आसान है। और तीसरा है फिल्म, गाना, सीरियल आदि देखकर। अब मैं आपको कुछ ऐसे नेपाली साहित्यकारों की रचना दिखाती हूँ जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदी और नेपाली के मानव समुदाय में बाह्य असमानता होते हुए भी मानव हृदय की धड़कन एक ही है, कुछ भिन्नता होते हुए भी दोनों देशों का मानव मन एक ही ढांचे में ढला हुआ है। हिंदी और नेपाली के मानव मन की एकता का अंतर संबंध साहित्य में किस तरह प्रस्फुटित हुआ है उसे देखिए। हिंदी साहित्य के कवि सुमित्रा नंदन पंत ने एकता और मानवता को प्रश्रय देते हुए कहा है, मानव होकर रहे धरा पर, जाति वर्ण धर्मों से ऊपर, व्यापक मनुष्यत्व में बंध कर। तो नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और साहित्यकार लोकेंद्र बहादुर चंद की हिंदी कविता भी एकताबद्ध होने का संदेश देती है। मेरे तेरे के बंधन को बस थोड़ा सा ढीला कर दें, मन के बंद कपाटों को हम थोड़ा थोड़ा खुला छोड़ दें, आज अंधेरे के पीछे से सूरज ला नभ में चमका दें। इसी भावना को एक अन्य साहित्यकार श्री कृष्ण चंद सिंह प्रधान की नेपाली रचना में देखिए। एक छिनका लागी रंग हरू बिरसे र, एक छिनका लागी जात हरू फाले र, एक छिनका लागी सबै मा सबै समाहित भय र, भाषा हरू को मंदिर मा स्थापित साहित्य का सबै देवी देवता हरू को अर्चना गरे र, भित्र भित्र अवस्थित स्रष्टा का मूर्ति हरुमा श्रद्धा सुमन अर्पेरा आऊ, आफू आफू भित्र का देवता लाए प्रतिष्ठापित गरौं। इसी तरह हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां देखें। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारमा रह जाएगा, प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने द्रम्या रह जाएगा। इसी भावना को हम नेपाली कवि कंचन पूरा सैनी में देख सकते हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ मृत्यु की दहलीज पर, इस नश्वर देह को त्यागने को तत्पर, पीड़ा से भरे संसार को त्यागने को तैयार, अपनी जुड़ी हुई हथेलियों के साथ अपने प्रणय गीत मैं यहीं छोड़ जाऊंगा, बिखरे छितरे यहाँ उहाँ, तमाम यादें इकट्ठी होकर
उतरती हैं एक दृष्टि में और फिर चीर यात्रा। इसी तरह राजनीतिक उठापटक के माहौल में भी मानवीय संवेदनाओं और आंतरिक लगावों की जीवनी शक्ति को बनाए रखने के लिए नेपाल के वरिष्ठ कवि तुलसी दिवस की एक कविता है चिट्ठियों के बारे में। चिट्ठियां वास्तव में बीज है, उन्हें बो। यदि धरती की सतह एक सी करनी है एक फावरे से, तो मैं तुम्हें अपने हाथ अपनी अंगुलियां देता हूँ। बीज वास्तव में चिट्ठियां हैं, उन्हें लिखो। अगर कुछ ठीक नहीं लिखा गया है ऊपर या नीचे, तो उसे अपने पसीने से मिटा दो। खेत की मेड़ भी मिट्टी से बनती है, अपनी लेखनी से उसे बनाओ। मैं उसकी कमियां सुधार दूंगा। बीज वास्तव में चिट्ठियां हैं, उसे लिखो। इसी स्वर की एक भावपूर्ण कविता भारत के राष्ट्रकवि दिनकर जी की है, पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस तरह ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके आधार पर अंततः यह कहा जा सकता है कि हिंदी और नेपाली भाषा साहित्य में लिपि, भाषिक संरचना और लोक साहित्य तथा सृजनात्मक साहित्य में अभिव्यक्ति समान स्वरूप प्रवृत्ति और सामिप्य के आधार पर अंतर संबंध है। अब थोड़ी सी चर्चा मैथिली की करना चाहूँगी। मैथिली के लिए तो मैथिली नाम मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। वैसे तो भारतीय साहित्य में यह मिथिला शब्द बहुत पुराना है, लेकिन कुछ लोग मैथिली भाषा के लिए विद्यापति द्वारा दिया गया नाम देसिल बैना को ही प्रमाणिक आधार मानते हैं और विद्यापति को मात्र मैथिली भाषा के आदि कवि या कवि के रूप में सीमित कर देते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में विद्यापति का वर्णन आता है और इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि के रूप में माना जाता है। अब बात आती है देसिल बैना के संदर्भ में, तो विद्यापति हिंदी साहित्य के भाषा के प्रारंभिक रूप अवहट काल के हैं और इसलिए उन्होंने उस समय बोली जाने वाली अपनी बोली अर्थात देसिल बैना सबजन मिठा कहा। उनके कहने का अर्थ था कि अपनी भाषा सबसे मीठी होती है, जो उस समय अवहट भाषा थी और यदि यही भाषा आधुनिक मैथिली की पूर्वज है तो आधुनिक हिंदी की भी यही भाषा पूर्वज बनती है। इसका एक और नाम तिरहुतिया भी है। उत्तरी मैथिली जो दरभंगा मधुबनी के आसपास बोली जाती है और यही इसका परिनिष्ठित रूप भी है। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली है जो हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि में अवस्थित मिथिला में बोली जाती है। भारत बिहार के कुछ जिलों और नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ जिलों जनकपुर आदि में यह बोली बोली जाती है। मैथिली नाम सन 1801 में कोलब्रुक ने अपने लेखों में उल्लेख किया था, इसलिए इस नाम को आधुनिक काल की देन माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के आदिकवि विद्यापति की सभी रचना संस्कृत और अवहट में है, लेकिन इनकी मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना पदावली है जो मैथिली भाषा में इनकी ख्याति का कारण बनती है। मैं मैडम से निवेदन करता हूँ कि अगले 2-5 मिनट में अपने वक्तव्य का समापन करें।
अब मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी के कुछ भाषाविदों के बारे में देना चाहूँगी। उनका उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक होगा, क्योंकि कुछ लोग भाषाई विवाद बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और इसलिए मैथिली को हिंदी से अलग बताकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो एक दो पत्रों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि मैथिली हिंदी की एक बोली है। राहुल सांकृत्यायन ने पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी अकाली मार्केट अमृतसर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रिय ब्रह्मानंद जी, हिंदी तो ब्रज राजस्थानी अवधि की तरह मैथिली को भी अपनी मान चुकी है, उसके लिए जो ब्रज भाषा की स्थिति है वही मैथिली की भी है। आपका राहुल। इसी तरह धीरेन्द्र वर्मा भी मैथिली को हिंदी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपभाषा मानता हूँ और इसलिए हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में इसका उपभाषा में शामिल किया गया है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपने पत्र में एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा की है। प्रायः विद्यापति के पदों को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि मैथिली का अपना साहित्य है, फिर उसे हिंदी की बोली कैसे कहा जाए। तो इस संबंध में एक उदाहरण को लिया जा सकता है कि फ्रेंच के अनेक बोलियों में दक्षिणी फ्रांस में बोली जाने वाली एक बोली प्रोवेंसल फ्रेंच से बहुत ही अलग है और मध्यकालीन समय में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मैथिली से भी अधिक उन्नत साहित्य रहा है, फिर भी उसे फ्रेंच के अंतर्गत ही मानी जाती है, परंतु मैथिली तो अपनी जी बस अब मैं इसे खत्म ही करने जा रही हूँ कि मैथिली नेपाली हिंदी अपनी शब्द परंपरा, वाक्य रचना और प्रवृत्तिगत विशेषताएं आदि से सभी एक ही ठहरती है। राजनीतिक दृष्टि से भले ही कुछ अलग हो, अंततः यह कहा जा सकता है कि नेपाली हिंदी मैथिली में प्राकृतिक रूप से अंतर संबंध है, बस भेद है तो केवल सोच की। प्राध्यापिका है हिंदी की, और जैसे कि आपके वक्तव्य से हमें स्पष्ट हुआ कि आप मैथिली और नेपाली हिंदी समान रूप से बोलती हैं और तीनों भाषाओं की प्रकृति के बारे में भी उनको बोध है। आपके संभाषण के श्रवण के बाद और जो मैं भी खुद स्वयं भाषा का ही विद्यार्थी हूँ, जैसे आपने कहा कि नेपाली मैथिली और हिंदी इन तीन भाषाओं की जननी मूलतः संस्कृति है, तो जितनी भी ध्वनियाँ हैं लगभग सब में समान ध्वनियाँ हैं, लिपियाँ समान हैं, बिल्कुल केवल वाक्यों के उच्चारण में कुछ ध्वन्यात्मक वैशिष्ट्य है। हाँ वैशिष्ट्य अपनी बिल्कुल क्षेत्रगत कुछ स्थानीय और विद्युत वर्ग की दृष्टि से इन तीन भाषाओं में एक अत्यंत मधुर और प्रिय अंतः संबंध है। लेकिन कभी कभी जैसे मैडम ने कहा वो हमारा विषय नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक चश्मे से अगर इसको देखें बस तो इसको खंडों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन भाषा उसका प्रवाह पवन और पानी की तरह उसकी सीमा नहीं होती। तो ये भाषाएं जो है तीनों भाषाएं एक ही माता की जन बिल्कुल आपस में संबंधित हैं, लेकिन थोड़ी उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। आपके इस बहुत वैदुष्यपूर्ण महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए हम बहुत स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय राजदूतावास की तरफ से हमारे माननीय राजदूत महोदय की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और अपने विशिष्ट वक्तव्य को यहाँ प्रस्तुत किया। हम सब श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमो जी। धन्यवाद आपको भी।